हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। आज मैं आपके लिए दोबारा से एक बहुत ही बढ़िया सुपर यमी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस केक को बनाने के लिए हमें गैस को जलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हम इस केक को बेक करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल ये केक की रेसिपी है, तो आप इस केक को कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर हमने मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है और ये 10 रुपीज़ वाला हमने एक पैक यूज़ किया है जो कि ग्राम में 83 ग्राम है। तो आप इसकी जगह पे कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पार्ले बिस्किट भी यूज़ किया जा सकता है या फिर ओरियो बिस्किट भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट बिस्किट ले लिया है और अब हम इसे इस तरह से तोड़ रहे हैं। हमें इसे इस तरह से रेंडमली तोड़ना है, बहुत बड़ा या छोटा टुकड़ों में नहीं तोड़ना है, क्योंकि अभी हमें इसे क्या करना है कि अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने एक जार ले लिया है और इस जार में हम इन बिस्किट्स को डाल देंगे। तो पीसते समय हमें इसमें दूध या फिर पानी कुछ भी अभी ऐड नहीं करना है और ये जो रेसिपी है वो केवल 3 इंग्रेडिएंट से बनकर के तैयार होगी। तो बिस्किट को पीसने के बाद हम इसे छान लेंगे ताकि जो भी मोटे क्रिस्टल हैं वो निकल जाए और एकदम हमारा जो पाउडर है वो निकल करके तैयार हो जाए बिस्किट का। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले मिले। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके दूध डालेंगे, तो जितना ज़रूरत है हम उतना ही दूध डालेंगे, एक बार में सारा दूध नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर आपको 1/4 कप दूध का इस्तेमाल करना होगा और हमें इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। तो डो को आप हाथों से ही लगाइए, तभी आपको बिस्किट का और इसमें दूध की कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उसका अनुमान पता चलेगा, टेक्सचर पता चलेगा अच्छे से। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसका डो लगा लिया है और ये जो डो है वो सेमी सॉफ्ट डो है, मतलब कि ये जो डो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है पर बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है। अब हमने यहाँ पर एक केक टिन ले लिया है, मैंने राउंड शेप का लिया है, आप चाहें तो रेक्टेंगल शेप का या फिर कोई भी शेप का ले सकते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर क्लीन टैप को बिछा दिया है और इसके बाद हम ये जो डो हमने बना करके तैयार किया है इसे सेट करेंगे। तो अगर आपके पास ये क्लीन रैप नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसे अच्छे से दबा दबा कर चारों तरफ चिकना करते हुए इसे बिछाएंगे, या फिर आप चाहें तो जो प्लास्टिक शीट आती है जिसे हम लोग बुक्स वगैरह कवर करते हैं उस प्लास्टिक शीट को भी नीचे बिछा सकते हैं। और देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर इसे चिकना कर लिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर फिर से बाउल ले लिया है और हमें फिर से एक पैकेट बिस्किट यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पर वही सेम बिस्किट यूज़ किया है जो अभी हमने पहले यूज़ किया था और वही एक पैकेट बिस्किट हम और यूज़ करेंगे। इस समय हमें जो बिस्किट को तोड़ना है वो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो देखिए, इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में हमें इस समय नहीं तोड़ना है इसे, क्योंकि अब हम इसे पीसने नहीं वाले हैं। तो इस तरीके से करते हुए हम सारी बिस्किट्स को तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंडों के साथ। और अब देखिए, हमने यहाँ पर जो है चॉकलेट सिरप ले लिया है और इसे हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जितना ज़रूरत होगा हम उतना ही चॉकलेट सिरप डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब इसमें चॉकलेट सिरप डाल दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप चॉकलेट सिरप की जगह मेल्ट करके चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं और इसे आराम से इस मिक्स करेंगे और चारों तरफ हमें इसे मिक्स कर लेना है। हमें इससे एकदम ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस इतना करना है कि एक कोटिंग हो जाए सारे बिस्किट के ऊपर। तो थोड़ा सा चॉकलेट मैंने इसमें और डाल दिया है, पूरा हमने 3 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप इसमें डाला है। और ये जो रेसिपी है, बस इसमें 3 ही इंग्रेडिएंट लगने थे और जो हमारे 3 इंग्रेडिएंट है वो हमने यूज़ कर लिए हैं। अब जो हमने केक टिन को बाहर निकाल लिया है फ्रिज से और इसके नीचे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दिया है ताकि ये जो हम लेयर लगा रहे हैं बिस्किट की वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इस तरीके से करते हुए हम सारे बिस्किट इसके ऊपर डाल देंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए दबाते हुए हमें इसे सेट करना है। तो हाथों से हम इसे अच्छे से दबा देंगे
ये जो केक है ये खाने में बहुत ही अलग सा पर बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये जो बिस्किट है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, और चॉकलेट के साथ जब ये बिस्किट आप खाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख देंगे, और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि एकदम अच्छे से सेट हो गया है, और ये काफ़ी अच्छा सेट हो चुका है। अब हम इसे जो है डिमोल्ड कर रहे हैं। अब इसे कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से करते हुए हमें इसे पलट लेना है, और फिर ये जो केक है आराम से इसकी जो क्लीन रैप है वो भी निकल जाएगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है, और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये केक है, कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही बढ़िया जल्दी से बन के तैयार हो जाता है ये डिलीशियस सा केक। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, और इस तरीके से हम चॉकलेट सिरप से या चॉकलेट गनाश से इसे सजा सकते हैं, और थोड़ी सी मैं इसमें चेरी रख देती हूँ जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये जो एक रेसिपी थी ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी थी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ, और आप इस केक को बना करके सबके साथ फैमिली के साथ एंजॉय करिए।